Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel, Shuchita's Ashiana. तो आज आप लोगों के साथ मैं अपना दिवाली ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ. और अभी ये सैटरडे है और मैंने अपने दोस्तों को संडे को बुलाया है दिवाली के लिए. तो सैटरडे इवनिंग को हम लोग थोड़ा वॉक के लिए निकले थे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा मेल बॉक्स भी चेक करना था. तो फिर हम लोग ये इतना सुंदर जो ऑटम का कलर्स हैं, कुछ दिनों में ही पत्ते झड़ जाएंगे तो फिर देखने को नहीं मिलेगा. तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा बहुत चलो वॉक करके आते हैं. फिर इवनिंग को मैंने दिवाली के लिए बेसन के लड्डू बनाए थे घर में ही और ये कुछ ऐसे दिख रहे थे. आई होप उन लोगों को अच्छा लगे. और कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी मैंने खरीदे थे अपने दोस्तों के लिए, तो वो भी मैंने गिफ्ट पैक में रैप कर लिया. और बच्चों के लिए मैंने क्रेयॉन्स और स्टिकर्स लिए थे, तो उन सबको भी मैंने पैकेट में डाल दिया और गिफ्ट बैग जैसा बना लिया था. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो दिवाली के लाइट्स लगा लेते हैं, एकदम क्रिसमस के लिए भी हो जाएगा. क्योंकि क्रिसमस आते आते बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ पे और बाहर तब लाइट लगाना बहुत ही टफ हो जाता है. तो अभी सीज़न थोड़ा जो वेदर थोड़ा अभी ठीक है, उतना ठंडा नहीं है, तो फिर ईज़िली हम लोग लगा पाएंगे. तो हाँ, अभी रात को ये कुछ ऐसा दिख रहा था और ऋषि बहुत ही एक्साइटेड था देख के. Yeah, that's so beautiful. Oh, there's Darwin is up there. They're so beautiful. There's colorful light. I know. Then there's stars. So light bite लगाना तो हो गया, लेकिन सबसे जो बड़ा काम है वो था कुकिंग. तो मैंने वो अभी स्टार्ट किया है, तो वो मैं आज बना रही हूँ चिकन कोशा. लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें मैं आज कोकोनट मिल्क से ये चिकन कोशा बना रही हूँ. सो ये जो चिकन कोशा है ये कोकोनट मिल्क से बनने के लिए बहुत ही रिच बनता है और ये बासुंती पुलाव के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा. तो मैंने अभी एग कोरमा का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो लास्ट में मैंने वो जो बरिस्ता फ्राई किया था वो मैंने डाल दिया और उसको फाइनली मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया और कुछ ऐसा दिख रहा था. और ट्रे में अलग से मैंने वो स्टार्टर्स वगैरह के लिए जो स्टार्टर करने वाली थी उसको मैंने थॉ के लिए वो ट्रे में रख दिया. और जो दिवाली का जो बाकी सब डेकोरेशन था वो दिया वगैरह फ्लावर्स रियल फ्लावर्स से मैंने वो सजाए थे ट्रे. और सोचा कि दोस्त लोग जब सब लोग आएंगे सब लोग मिलके वो दिया वगैरह जलाएंगे तो अच्छा लगेगा. और फिर मैंने सोचा कि बासुंती पुलाव बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ये दो बार में बनाना है. तो मैं नहीं चाहती थी कि दोस्त लोग आएंगे फिर मैं वहाँ पे कुकिंग करूँ, तो मैंने सोचा कि बना के रख देती हूँ ट्रे में. और इस बीच मैं ऊपर आ गई रेडी होने के लिए. रदीजन रेडी. ओके, दैट्स योर ड्रेस. अभी और आमी पोरेछी एटा कुर्ती. ऋषि तुम्हार ड्रेस देखाओ, तुम्हार ड्रेस देखाओ, एकटू दूरे जाओ, एकटू दूरे जाओ. আর মাম্মার ড্রেস দেখাও, ধরো ফোনটা ধরো, আমি মাম্মার ড্রেসটা দেখাই. ওকে, না শো মি লাইক ইয়া টিল্ট আ লিটল বিট ডাউন. আসছে. तो इसी बीच प्रसून ने मुझे बुलाया कि देखो शायद तुम्हारा पुलाव जल जाएगा, जल्दी जल्दी आओ. तो मैं दौड़ के आ गई नीचे. तो हाँ, थैंकफुली नहीं जला था, सब ठीक ही था. और यहाँ पे ऋषि बहुत ही हैप्पी था फायरवर्क्स लेके, उसके पापा फायरवर्क्स लेके आए थे और वो बहुत ही एक्साइटेड था. এগুলো ভাজতে হবে, আস বিরিয়ানি আর রাইসটাকে পোলাওটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম আর এখন মিষ্টিগুলো সাজাবো. গিয়ে তো ছিল মতিচুর আনতে কিন্তু সব আর পাইনি, যেতে যেতে দেরি হয়ে গেছে, তাই বুন্দিয়ার লাড্ডু নিয়ে আসছে. মতিচুরের লাড্ডু আর হলো না. तो मैं अभी ये स्टार्टर्स वगैरह फ्राई करके रख रही हूँ. मेरे फ्रेंड्स लोग के आने का टाइम हो गया, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट घर से निकल भी गए थे, तो उन लोग रेस्ट ऑन द वे थे. तो मैंने सोचा कि ये सब रेडी करके टेबल में रखती हूँ. और हाँ, सब लोग धीरे धीरे आने लगे और हम लोगों ने वो एक साथ सभी लोगों ने दिया जलाया. Thank you.
কোনটা কি লাগলো আমার তো বিস্কুটই ভালো লেগেছে আর সিঙ্গারাটা ভালো সিঙ্গারাটাও ভালো সবই রেডিমেড গুলো আচ্ছা এটা কিউ ট্রাই করুন এটা আমি নিজে বানিয়েছি এই যে সল্টের পরে বসিয়ে এটা আমি বাড়িতে বানিয়েছি এটা ইয়ে তো বেসন নরম দাও এটা বিস্কুট সব ভালো এটা সবাই বলছে না এটা দারুণ হয়েছে প্রথম থেকে লাগা হুম এই শিবাটা ইউটি চিকেন নাগেট চিকেন নাগেট এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউ হুম তুলনা ভালো হয়েছে হ্যাঁ বেসনের লাড়ুটা ওকে থ্যাংক ইউ কি বানিয়েছো বেসনের লাড়ুটা বানিয়েছি ওটা স্টোরিজ এ तो इसके बाद हम सब लोग बाहर आ गए वो फायरवर्क्स जलाने के लिए गपशप किया हम लोगों ने बहुत बातचीत की बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों के साथ दिवाली में मिलके और इसके बाद मैंने ये खाना यहाँ पे सर्व कर दिया क्योंकि रात भी हो चुकी थी और नेक्स्ट दिन मंडे था तो बच्चों का स्कूल और लाइक सबका ऑफिस भी था तो सबको जाना भी था घर तो हाँ आप लोगों को ये वीडियो मेरा दिवाली का व्लॉग ये कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आप लोगों से मिलती हूँ एक मेरे नेक्स्ट किसी व्लॉग में टिल देन टेक केयर गुड बाय